खबर वो जो आपसे जुड़ी हुई है, खबर वो जिसे लेकर के सबसे ज्यादा धर्म संकट में अभिभावक है। भीषण गर्मी पड़ रही है, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि अप्रैल महीने में झारखंड में इतनी गर्मी कब पड़ी थी उन्हें याद नहीं है। पहले तो इतनी गर्मी पड़ने पर गर्मी छुट्टी हो जाती थी, लेकिन पिछले 2 साल से बच्चे कोरोना के कारण घर में, पढ़ाई लिखाई ठप है। ऐसे में अब जब जिंदगी नॉर्मल हो रही है तो स्कूल बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे ऐसी भीषण गर्मी कैसे झेलें, यह बड़ा सवाल है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन खबर आ जा रही है कि स्कूल जाते वक्त या स्कूल में बच्चा बेहोश होकर गिर जा रहा है, मन बड़ा व्यथित होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान भी आया है कि इसे लेकर के सरकार विचार कर रही है। एक रिपोर्ट है, पहले रिपोर्ट देख लीजिए। कैसे पढ़ेंगे बच्चे? पहले कोरोना ने रोकी पढ़ाई, अब गर्मी ने परेशानी बढ़ाई। बच्चे बेचारे करे तो करे क्या, गार्जियन बेचारा करे तो करे क्या। काल से कोरोना खत्म हुआ है, इतना छोटा छोटा बच्चों को स्कूल बुलाना हमारे समय से तो ये नाजायज है। अरे भाई, लू का समय है, पत्ते मुरझा जा रहे हैं, हम लोगों का माथा गर्म हो जा रहा है, तो ऐसे ही स्थिति में तो भाई ऑनलाइन पढ़ाई होना चाहिए। तो इस टाइम पे बच्चा लोग का छुट्टी होना अच्छा नहीं है। 2 बच्चे हैं, एक का 11 बजे, एक 12 बजे छुट्टी होती है, ऐसा में बहुत ज्यादा बच्चे को लू लगने का डर। हर रोज झारखंड के हर कोने से हमारे पास खबर आ रही थी कि इस भीषण गर्मी में स्कूल गए बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं, गर्मी झेल नहीं पा रहे, लेकिन बच्चों के अभिभावक इस चिंता में किस गर्मी में बच्चे को स्कूल भेजे कैसे, भेज भी दे तो बच्चा गर्मी झेले कैसे, ना भेजे स्कूल तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। 2 साल से कोरोना में रुकी पढ़ाई फिर से कैसे रुक दी। 12 बज गया, बहुत गर्मी लगता है, बहुत गर्मी लगता है। हाँ। ऑनलाइन क्लास होना चाहिए, नहीं स्कूल आना अच्छा लगता है। हाँ। बहुत ज्यादा स्कूल में अंदर लगता है, नहीं बाहर जब घर जाती हूँ तब लगता है गर्मी। हाँ। बहुत ज्यादा लगता है। हाँ। पानी पीती, बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है। अभी कितना टाइम हो रहा है, 12 बज रहा है, ऐसे में छुट्टी होता है ना, बहुत गर्मी लगता है घर जाते टाइम, बोलो हाँ लगता है। हाँ लगता है। इस बीच सरकार भी इस स्थिति को लेकर मंथन में जुटी है, सरकार भी उसी संशय में है जिस संशय में अभिभावक है। स्थिति है कि वातावरण परेशान कर रखा है, ऐसे स्थिति में क्या किया जा सकता है, बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं, इसको लेकर हमारा चिंता बनाए हम लोग रखते हैं और कुछ विचार मन में आया है जो मैंने शेयर किया है, लेकिन उस पे क्या और उसमें बेहतर होगा ये हम लोग तय करेंगे। बड़ा धर्म संकट है, बच्चों की पढ़ाई कभी कोरोना रोकता है, कभी गर्मी रोकती है, सरकार भी करे क्या, अभिभावक भी करे क्या, आफत बच्चों पर है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर के साथ अदिति सिन्हा की रिपोर्ट। सहयोगी अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा रुख करते हैं अदिति का। अदिति, बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत दिक्कत है। दिक्कत यह है कि स्कूल अगर ना भेजें तो 2 साल से बच्चे घर में रह रहे के, मतलब यूं समझ लीजिए कि किसी भी चीज को नेस्तनाबूद कर देने की क्षमता पा चुके हैं बच्चे, पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर। और अगर स्कूल भेज रहे हैं तो इस गर्मी में इतना खतरा है कि क्या बताएं, बच्चे बेहोश होके गिर जा रहे हैं, कलेजे पे पत्थर रख करके स्कूल भेजना पड़ रहा है, आखिर करें तो करें क्या। बच्चों के अभिभावक तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में। अदिति,
जी भारती, बिल्कुल अभी जो है राजधानी रांची में लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी आ रही है, जिसको लेकर के अभी बच्चों में ज़्यादा डर देखा जा रहा है। बाहर निकलने से बच्चे जो हैं वो लू के शिकार बन सकते हैं और इसको लेकर के पेरेंट्स जो हैं बच्चों के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और कहीं ना कहीं अभी जो स्कूल खुल रहे हैं उसको लेकर के भी अभिभावक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है वहाँ बड़ों का बाहर निकलना मुश्किल हो है, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो जब थोड़ा ज्यादा घर से बाहर निकलते हैं या फिर कहीं खेलने चले जाते हैं धूप में, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों में विटामिन की कमी होती है या फिर वो थोड़े से ज्यादा प्रोटेक्टिव और कमजोर होते हैं, तो वो जो है ज्यादा जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जिसको लेकर के पेरेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा कंसर्न रहते हैं कि बच्चे हमारे जो है घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। और ऐसे हम मान सकते हैं कि हाँ, 2 साल कोरोना काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई में रोक जरूर लगा था, लेकिन बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, जिसको लेकर के पेरेंट्स चाहते थे कि स्कूल खुल जाए, परंतु स्कूल खुलने के बाद जो है ये असमंजस है कि लगातार जो इस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, वही पेरेंट्स अभी ये भी चाहते हैं कि स्कूल को या तो उनकी टाइमिंग चेंज कर दी जाए या फिर स्कूल को जो है वो ऑनलाइन क्लासेस दे दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है वहीं कहीं ना कहीं बच्चों में ये बच्चों का जो है ये डर रहता है उनमें कि बच्चे जो बीमार ना पड़ जाए, उन्हें लू ना लग जाए। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्कूल से बाहर निकलते के साथ आइसक्रीम, गोले ये सब खा लेते, जिसमें तापमान में ऊपर नीचे होने के कारण उनमें डर रहता है कि वो बीमार पड़ जाएंगे। और ऐसे कई बार हमने स्कूल में भी देखा कि बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं या फिर उनमें पानी की कमी हो जा रही है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे पर जो है ये गर्मी का जो असर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है। और साथ ही अभी लगातार जो गर्मी बढ़ रही है, जिसको लेकर के अभिभावक अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, यहाँ बड़ों का बाहर निकलना जहाँ मुश्किल हो जा रहा है। और साथ ही अभी हम ये हमने कई अभिभावकों से भी बातचीत की, उनका यही कहना है कि लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उन्हें यहाँ पर स्कूल के बाहर बच्चों को लेने आना पड़ता है, जिसको लेकर के छोटे बच्चों का जो छुट्टी है वो 11:30 बजे होता है और बड़े बच्चों का छुट्टी जो है वो 12:30 बजे होता है, तो इस बीच में उन्हें गर्मी में रहना पड़ता है। और बच्चे भी जो हैं वो काफ़ी प्यासे रहते हैं या फिर जब वो घर स्कूल से घर जाने के दौरान उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप रहती है, जिसमें बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा डर रहता है कि कहीं वो लू के शिकार ना बन जाए या फिर उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसको लेकर के। और फिलहाल में सरकार ने भी ये विचार विमर्श किया है कि अगर इस तरीके से लगातार जो है वो गर्मी जो बढ़ रही है उसको लेकर के स्कूल को बंद करवाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही असमंजस वाली बात है कि 2 साल कोरोना काल के बाद स्कूल चालू किया गया था, वहीं अभी जो है लगातार गर्मी बढ़ रही है उसके अगर यहाँ पे स्कूल बंद भी कर दिया जाता है तो एक बार फिर से बच्चों की जो पढ़ाई में ब्रेक आ जाएगा, क्या उसके लिए अभिभावक तैयार है? तो कहना ये है कि अभिभावक ये भी चाहते हैं कि क्लासेस जो है वो ऑनलाइन हो जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई भी ना रुके और बच्चे जो हैं वो सुरक्षित भी रह सके। जी बहुत शुक्रिया आदित्य इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर के अभिभावक जो है वो ये चाहते हैं कि भाई पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।